15वीं सदी में जब भारत समुद्री मार्ग से खोया हुआ था, तब एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत तक सुरक्षित समुद्री मार्ग की खोज की। भारत से आने वाले मसालों को उन दिनों यूरोपियंस अरब देश के व्यापारियों से खरीदा करते थे। अरब के व्यापारी यूरोपियंस को यह नहीं बताते थे कि वे यह मसाले लाते कहां से। जब यूरोपियंस को इसके बारे में पता चला कि वे यह मसाले भारत से लाते हैं, तो उन दिनों भारत पहुंचने के सिर्फ जमीनी मार्ग ही प्रशस्त थे, जो कि रशिया और मध्य पूर्व में ईरान के रास्ते हुआ करते थे। राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण अरब के राजा यूरोपियंस को यह मार्ग इस्तेमाल नहीं करने देते थे। ऐसे में सिर्फ समुद्री मार्ग ही बचा था। इस चुनौती भरे समुद्री मार्ग की खोज के लिए वास्को डी गामा ने 8 जुलाई सन 1497 में पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के दौरान अनेक चुनौती और संक्रामक बीमारियों का सामना करने के बाद उन्होंने अपने जहाज का पहला लंगर दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप में डाला। इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका के ही उत्तर में स्थित मालिंदी बंदरगाह पहुंचे। वहां मालिंदी के स्थानीय नागरिकों से उन्हें पूर्व में भारत जाने के रास्ते के बारे में पता चला और उन्होंने अपने जहाज का मुख पूर्व में भारत की ओर कर दिया। 20 मई सन 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के केरल राज्य में स्थित कालीकट बंदरगाह में अपना पड़ाव डाला। पुर्तगाल से भारत पहुंचने में वास्को डी गामा को लगभग 10 महीने का समय लगा। भारत पहुंचने के बाद वास्को डी गामा ने वहां के स्थानीय राजा से मुलाकात कर व्यापार करने की इजाजत मांगी, लेकिन स्थानीय राजा ने उनके क्रिश्चियन होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। अगस्त 1498 में वास्को डी गामा ने वापस अपने देश पुर्तगाल की ओर रुख किया। रास्ते में मौसम और संक्रामक बीमारियों के कारण उनके दल के ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की और उन देश जैसे ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रेंच, डच के व्यापार भारत के साथ बढ़ने लगे। इसके बाद वास्को डी गामा 2 बार भारत जाने का मौका मिला। उन्हें भारत जाने वाले समुद्री जहाजों के बेड़ों का मुखिया बनाकर भेजा गया। तीसरी बार भारत आने के कुछ समय पश्चात 23 दिसंबर 1524 को मलेरिया के कारण इस महान नाविक की मृत्यु हो गई।